करनाल के कुटेल गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। बताया जा रहा है कि रात के 2 बजे रोहित नामक युवक अपने दोस्त के साथ फेसबुक पर लाइव हुआ था। इस दौरान उसके हाथ में शराब की बोतल थी, साथ ही गाने पर मस्ती हो रही थी, लेकिन सुबह होते ही तस्वीर बदल चुकी थी। रोहित का शव गांव के मोड़ पर मिला। गांव वालों ने जब शव को देखा तो उसके बाद परिजनों को सूचना दी और पुलिस को बुलाया गया। गांव वालों ने बताया कि रात को रोहित अपने किसी दोस्त के साथ फेसबुक पर लाइव हुआ था। वहीं गांव के लोगों, परिजनों और पुलिस का कहना है कि शरीर पर चोटों के निशान हैं, सिर पर निशान है, टांगे तोड़ी हुई हैं, सड़क पर घसीटने के भी निशान हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि रोहित की मौत कैसे हुई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जांच की जा रही है। बहरहाल ये मामले की गुत्थी पुलिस कब तक सुलझा पाती है ये देखने वाली बात होगी। नाम है और इसके फादर का नाम बलवीर सिंह है और ये रात फेसबुक पर लाइव चल रहा था। उसके बाद 2 बजे के बाद इसके साथ ये दुर्घटना घटी है। अब इसके चोटों के निशान भी कुछ इस जो पुलिस वाले बता रहे हैं कि इसके इसके पास कुछ चोटों के निशान भी आए हुए हैं। लगता है कि हत्या ही होगी, कोई बिल्कुल बिल्कुल मर्डर है। क्या काम करता था, किनके साथ था? ये यहाँ पे इसमें डीडी राइस मिल में लगा हुआ था। तो किन के साथ था जो गाड़ी में वीडियो देखे? अभी उसकी पहचान तो तहकीकात होने के बाद ही पता लगेगा कि कौन था वो, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा कोई, गांव का तो लड़का लग नहीं रहा। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 23-24 साल की। शादीशुदा है? शादीशुदा। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे? चार पाँच महीने पहले ही चाहेंगे कि पूरी गहराई से जांच? बिल्कुल 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 गहराई से जाँच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आपका नाम? संदीप कल्याण, सरपंच। यह दोनों टांगे टूटी हुई हैं, गाड़ी के नीचे ही आके जैसे घसीट के फिर साइड में इसको फेंका गया हो, मतलब कि है तो मर्डर ही है। आपस में हुआ है या कैसे हुआ है, शराब पीने के बाद हुआ है या ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने जीजा जी के साथ उसकी लास्ट टाइम फ़ोन पे बात हुई थी। पुलिस वालों को फ़ोन मौके पे दे दिया है, उसका जो फ़ोन है वो पुलिस को दे दिया मैंने। लगता है अगर एक्सीडेंट होता तो मेन रोड पे शव होता, इस तरह से साइड में ना गिरा होता। ये तो मर्डर ही है क्योंकि इसको साइड में खींच के जो ले जाया गया है तो ये मर्डर ही है। दोनों टांगे भी टूटी हुई है इसकी, चोटों के निशान है माथे पे, यहाँ पे सर पे पर जैसे भी ईंट लगी है या कोई ऐसी चीज़ लगी है। है लड़ाई झगड़ा ही है, लड़ाई झगड़ा जैसे खाने पीने के बाद किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए। उस युवक को पहचानते हो जो फेसबुक पर इसके साथ लाइव कर रहा है? नहीं, गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं उसको पहचान पा रहा, क्योंकि ना तो वो कोई रिश्तेदार है ना कोई जान पहचान का है। दोस्तों को बुलाया, उससे पूछताछ की हो? उसके दोस्त यहाँ पे अभी सारा सैनिक समाज खड़ा हुआ है। राइस मिल का कोई कर्मचारी? राइस मिल का कोई कर्मचारी नहीं है वो, उसको कोई किसी ने देखा भी नहीं आज तक उसके साथ। चाहेंगे कि कार्रवाई हो? हाँ जी, कार्रवाई पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम अश्विनी खिलाफ। यहाँ आके पूछे तो कैमरे सबके बंद है और बॉडी हमें आके ना रोड में मिली है, बॉडी हमें मिली अंदर गली के अंदर यहाँ। तो आप कैसे कह सकते हैं अभी एक्सीडेंट है वो, आप बाकी आप देखेंगे। सीटों के भी निशान है, चोटों के भी निशान है, बढ़िया। एक जूता इसका वहाँ पे है, एक जूता यहाँ और उसके आसपास ईंटें भी पड़ी है और ये पड़ा गया ईंटों से। चोटों के निशान काफी है, खत्म करेंगे जी, सरफेस के चोट लगी हुई है। तो ये भी पता चला है कि रात को फेसबुक पे लाइव वगैरह आए? सुबह के यही पता लगा भी, जिन बच्चों को जो लाइव देखते हैं वो उन्होंने बताया भी सुबह फिर लाइव 2 बजे तक तो लाइव था ये। उसके बाद फिर सुबह ही पता खबर आई इसकी, रात को कोई खबर नहीं। कौन है जो साथ था गाड़ी में, कह सकते कौन है? कैसा है अभी तो मेरे ख्याल रिश्तेदार से मैंने बात करी, रिश्तेदार भी मना कर रहे हैं हम नहीं। तो बाकी इसका कॉल है, कॉल रिकॉर्डिंग में पता लग जाएगा किसने कॉल की थी। इकलौता बच्चा है? बिल्कुल इकलौता लड़का है जी, 2 बहनें हैं, उनकी शादी करी है बेचारे ने, पूरा परिवार इसी के ऊपर डिपेंड था और कोई भी नहीं है। फादर है वो भी ऐसे ही है, शादी अभी 4 महीने पहले भी इसकी शादी हुई है। तो लगता है कि एक आदमी का काम होगा ये मारपीट करके हत्या करना, मेरे को नहीं लग रहा। एक तो ड्राइवर था जी उसके साथ जो मतलब की और जो ये आपके पहले रहता है जो कारोड़ के पड़े साइड पड़ा है
तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया जी। सर 2 बजे लाइव किया है इसने कुछ एक लड़के के साथ शराब पीते हुए, तो उसका भी पता लगाया जाएगा कौन है वो। पता लगाएंगे अभी, जैसे हमारे को अभी सूचना मिली है। फेसबुक पे भी लाइव किया था इसने रात को, सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे आस पास के। लेकिन इसके अंदर वो चल नहीं रही तो बिल्कुल आप। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।